पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुरादाबाद जिले में लगातार हो रही गौकशी की घटनाओं को लेकर शहर के विभिन्न स्थान पर खुले में गौवंश के अवशेष पड़े मिल रहे हैं। इसी से संबंधित अभिनव भटनागर महानगर संयोजक के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि काफी समय से गौकशी की घटनाएं शहर में हो रही हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा तहरीर दी गई, लेकिन उस पर कार्रवाई के नाम पर पुलिस टालमटोल करती रही। उसके उपरांत कार्यकर्ताओं के द्वारा शिकायत दर्ज न करने पर आपत्ति जताई, तब जाकर चौकी इंचार्ज पंडित नगला के नाम से पशु क्रूरता की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। लोगों ने पुलिस को कार्यकर्ताओं के द्वारा तहरीर दी और साथ ही साथ वीडियो भी उपलब्ध कराई। पुलिस ने फिर भी आरोपी को तमंचे में जेल भेज दिया और अन्य आरोपियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। जी, क्या नाम आपका? अभिनव भटनागर, महानगर संयोजक बजरंग। आज जो आपने ये ज्ञापन दिया है, किस विषय को लेकर दिया है ये? आज हमने जो ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि मुरादाबाद जिले के अंदर पिछले 6 माह में जो लगातार गौकशी की घटनाएँ हो रही हैं, उस पर पुलिस लगातार निरंतर लापरवाही कर रही है और गौ तस्करों पर कार्रवाई नहीं कर रही। गौ तस्करों के हौसले बुलंद हैं, गौ तस्करों पर कार्रवाई हो, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही हो और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही हो, इन मांगों को लेकर के हमने आज मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।